हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज मैं आपको ये उलन बटुआ बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनाया जाएगा। ये मैंने बना रखा है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपके पास अगर ऊन बचा हुआ है तो आप उससे भी बना सकती हैं। इसमें देखिए, मैंने ये लटकाने के लिए डोरी भी लगा रखी है और इसके अंदर अस्तर भी लगा हुआ है कपड़े का, और इसमें मैंने पैसे रखने के लिए पॉकेट भी बनाया हुआ है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, पैसे रखने के लिए पॉकेट बनाया हुआ है। इसमें बटन लगा लीजिए, चुपट्टी लगा दीजिए। देखिए, मैंने लौंग इलायची रखी हुई है। इसमें कहीं सफर पे जाइए आप, इसमें रख लीजिए। चलिए फिर इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना, ये देखिए। और इसको ऐसे लटका भी लीजिए हाथ में। इसको बनाने के लिए आप एक रंग, दो रंग, कितने से ही बना सकती हैं। मेरे पास ये कुछ ऊन बचे हुए हैं तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ऊन इसमें यूज़ हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसमें 9 नंबर की सिलाई पर 50 फंदे डाल लिए हैं, और इसका अब मैं इसी रंग से, सिर्फ इसी रंग से सीधा सीधा बुनते हुए 5 लाइन का बॉर्डर बनाऊंगी। 5 लाइन यानी कि जब हम 10 सिलाई बुनेंगे तो 5 लाइन हमारी ये वाली उल्टी वाली सिलाई ये आ जाएगी, उल्टा उल्टा। चलिए फिर बॉर्डर बुन के फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, 5 लाइन के बॉर्डर हमने बना लिए हैं। अब हमें डोरी डालने के लिए जाली बनाना है और फंदे भी बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि हर 3 के बाद एक जाली बनाएंगे तो फंदे भी बढ़ जाएंगे और डोरी डालने के लिए भी हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, 1, 2, 3 फंदा बुना, फंदे को ऊन को आगे किया और ये बुन दिया, बढ़ गया फंदा। फिर 1, 2 ये वाला लेके 3 हो गया फंदा। फिर ऊन को आगे किया और इसको बुन, इसी तरह से पूरी सिलाई बना के हमें जाली बनानी। ये देखिए, पूरी सिलाई में मैंने जाली बना ली और फंदे भी बढ़ गए, हमारे दोनों काम हो गए। इस जाली में अब हम ये वाली ऐसे बना के डोरी डालेंगे। अब हमें ऊपर सिर्फ सादा ही सादा बुनना है, यानी सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। आप चाहे तो अगर एक रंग से बना रही हैं तो डिज़ाइन भी डाल लीजिए कोई। ये देखते हैं लगभग हमें कितना बुनना है, उसके बाद फिर आगे क्या करना है फिर मैं बताऊंगी। ये देखिए, डोरी वाला है हिस्सा, यहाँ से इसको रखिए और ये लगभग हमें 6 इंच की लंबाई बिननी है। ना इसमें फंदे बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, तो 6 इंच की लंबाई कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बटुए की लंबाई बना ली है। आपको और बड़ा बनाना हो तो आप और बड़ा बना लें। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जितने भी फंदे हैं, इसमें तो मेरे 66 फंदे हैं, तो इसको अब हमें आधे कर देने हैं। यानी कि हर फंदे को, ये देखिए, यानी कि हर 2 फंदे को एक कर देना है। पूरी सिलाई ऐसे करना है, हर 2 फंदे को एक कर देंगे तो 66 का आधा 33 हो जाएगा। ये देखिए, हर 2 फंदे को एक कर देना है पूरी सिलाई। यानी सीधे से भी हम ऐसे करेंगे और उल्टे से भी ऐसे करेंगे, दोनों ओर से सीधा सीधा बुनते हुए। जब हमारे पास 5 फंदा बचेगा तब हम सारे फंदों को एक साथ उतार देंगे। चलिए 5 फंदों तक करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ऐसे ऐसे हर 2 फंदे एक में कर दीजिए, आधा हो जाएगा ये। ये देखिए, घटाते घटाते अब हमारे पास इसमें 9 फंदे बचे हैं। इन 9 का भी हम घटाएंगे तो अब हमारे पास इसमें 5 फंदे बचेंगे।
और 8 फंदों का हो जाएगा 4 और एक हमारे पास एक्स्ट्रा फंदा है जो हो जाएगा। दोस्तों ये बटुआ बनकर बहुत ही प्यारा आता है देखने में लगता है, आप इसे बनाएं ज़रूर, ट्राई करें, छोटा सा बनाना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको अपने सूट के कलर का, साड़ी के कलर का बना लें और बाहर कहीं जाएं शॉपिंग पे या किसी के घर तो इसे लेकर जाएं, ये आपके हाथों को गर्माहट भी देगा और प्यारा लगेगा, कुछ देखने के लिए नया भी रहे। देखिए अब ये 5 फंदे बचे हैं, इन 5 फंदों को हमें एक साथ उतार देना है। देखिए कैसे ये लिया हमने, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, फिर हम इसको खींचिए जो टाइट है उससे इसको बीनिए और ऐसे तीसरे को करिए, ये ढीला है इससे नहीं, जो टाइट है इससे। नहीं अगर आपको ऐसे नहीं करना आता है उतारना तो आप सुई धागे से सारे फंदों को एक साथ उतार दीजिए। अब हम इसको सिलाई करेंगे, ये देखिए उल्टा कर लीजिए, उल्टा करके इसको ऐसे सिल लीजिए यहाँ से। पूरी लाइन यहाँ तक सिल लेंगे, इसको सिलने के बाद फिर हम अस्तर लगाएंगे। ये देखिए हमने पूरी सिलाई कर दी, अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास कपड़ा था तो ये अस्तर हमने इसको धागे से सिल लिया है, आप इसको मशीन से भी सिल सकती हैं तो पक्का और हो जाएगा। ये सीधा करने के बाद इसको उल्टा ही रखिए जब सिलाई इसकी अंदर चली जाए, इसको ऐसे रखिए इसमें और जहां से हमें ये डोरी डालने वाला ये बनाया है इसके नीचे से यहाँ से हमें इसको टाक देना है सुई की सहायता से। पूरा घुमा घुमा के टाक दीजिए तो ये अस्तर अंदर लग जाएगा, लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए अस्तर हमने लगा दिया, जब उल्टी सिलाई हम अंदर करके लगाएंगे तो जब हम इधर ऐसे निकालेंगे इसको तो ये हमारा सीधा ही रहेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई की है ये वाले में, अब हम इसमें डोरी डालेंगे। इधर देखिए डोरी हमने क्रोशिया से बनाई है, चलिए डोरी डालते हैं यहाँ से। एक बार ट्राई जरूर करिएगा और अच्छा लगा हो अगर ये तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए अभी तो ये पड़ जाएगी, ये देखिए डोरी भी डाल ली हमने और ये मेरा बटुआ तैयार। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी कमेंट बॉक्स में करिए और ऐसे मैं छोटे छोटे चीज़ें बना के आपको दिखाती रहूँगी और आप सीखिए और बनाइए। ये देखिए इतना प्यारा सा बटुआ, उलन बटुआ। Thank you for watching my video. Thank you.
वेरी वेरी थैंक्स।